क्लास थ्री का साइंस बुक है और यह चैप्टर फोर पॉइंट टू है इस चैप्टर का नाम है वाटर शॉर्टेज वाटर शॉर्टेज का मतलब हो गया जल की कमी शॉर्टेज मतलब कमी हो गया तो इसमें क्या दिया हुआ है इसको हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं तब पता चलेगा रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ वर्षा पृथ्वी पर जल का मौलिक स्रोत है बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल द्लेसेस लेकिन यह सभी जगहों पर समान रूप से नहीं होती समटाइम्स वी एक्सपीरियंस एक्सेस रेनफॉल रिजल्टिंग इन द ओवरफ्लोज ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स लीडिंग टू फ्लूड कभी कभी हम अधिक वर्षा का अनुभव करते हैं जिसके परिणामस्वरूप तेज जल प्रवाह तथा नदियों में बाढ़ आ जाती है ऑन द अदर हैंड वैन देयर इज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल ड्राउट अकर्स दूसरी ओर जब बहुत कम वर्षा या बिल्कुल नहीं के बराबर होती है तो सूखा पड़ जाता है यूजली ड्यूरिंग समर वी फेस वाटर शॉर्टेज आमतौर पर गर्मी के दिनों में हम पानी की कमी का सामना करते हैं डग हैंड हैंडपम्प्स एंड इवन स्मॉल एंड सेलो पॉइंट्स गेट ड्राइट कुएँ हैंडपम्प और यहाँ तक कि कुछ छोटे मोटे उथले तालाब सूख जाते हैं वी डो नॉट गेट फ्रेश वाटर ईजली ड्यू टू लेस वाटर इनलैक्स एंड रिवर्स द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम आल्सो सप्लाईज लेस वाटर टू आवर होम्स झीलों में पानी कम होने के कारण हमें आसानी से पेयजल नहीं मिलते हैं और नदियों में सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली भी हमारे घरों में कम पानी की आपूर्ति करती है कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज जल की कमी का कारण क्यों जल कम हो रहे हैं इसकी समस्या है क्यों उत्पन्न हो रही है यहाँ पर बताया गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजनस फॉर वाटर शॉर्टेज जनसंख्या विस्फोट पानी की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है इसका अर्थ है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम ये कारण बना हुआ है ड्यू टू अर्बेनाइजेशन एंड रेपिड ग्रोथ ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स ए लार्ज नंबर ऑफ बोरवेल्स एंड डीप ट्यूबवेल्स आर बींग डग आउट काउजिंग द डिप्लेसन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर शहरीकरण और ऊंचे ऊंचे इमारतों के तेजी से विकास के कारण बड़ी संख्या में बोरवेल और गहरे नलकूप खोदे जा रहे हैं जिससे भूमिगत जल की कमी होती जा रही है डिफ्रस्टेशन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ फॉर इंडस्ट्रीज रोड्स कॉलोनीज ऑफिस टिम्बर्स फ्यूल्स इट दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द रेनफॉल वनों की कटाई विकास के नाम पर उद्योगों सड़कों कॉलोनियों कार्यालयों लकड़ी और ईंधन आदि के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है यह वर्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है वाटर पोल्यूशन लिब्स लेसर वाटर फॉर आवर यूजेज जल प्रदूषण के कारण हमें उपयोग के लिए कम पानी मिलता है वी आर नॉट अडप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज अलाउड टू ड्रेन फॉर अवे इट इज़ अ मेथड टू स्टोर रैन वाटर फॉर इट्स फर्दर यूज हम वर्षा जल संचय को नहीं अपना रहे हैं बारिश के जल को दूर तक बहने दिया जाता है जल संचयन वर्षा जल को आगे उपयोग के लिए संग्रहित करने की विधि है आगे देखते हैं वाटर साइकिल वाटर साइकिल को हिंदी में जल चक्र कहा जाता है ड्यू टू ट्रांसपारेशन ऑफ वाटर बाई प्लांट्स एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियंस लैक्स रिवर्स ई टी सी वाटर चेंज इंटू वाटर वेपर पौधों में वाष्पीकरण के कारण और महासागरों झीलों नदियों आदि के पानी की वाष्पीकरण से जल भाप में बदल जाता है द वर्म एयर नियर द ग्राउंड केरीज द वाटर वेपर अप इंटू द स्काई जमीन पर चलने वाली गर्म हवा भाप को आसमान में ले जाता है देयर कोल्ड एयर मैक्स द वाटर वेपर कंड इन टू ग्रुप्स ऑफ टीनी ड्रॉप्स वहाँ की ठंडी हवा जलवाष्प को छोटी छोटी बूंदों के समूह में संघनित कर देती है दिस टीनी ड्रॉप्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर बादलों का निर्माण करती है वैन द वाटर ड्रॉप्स बिकम टू हैवी फॉर द क्लाउड्स दे फॉल टू द अर्थ एज ड्रॉप्स ऑफ रैन जब पानी की बूंदें बादलों के लिए बहुत भारी हो जाती है तो वे बारिश की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपेशन यह प्रक्रिया वर्षन प्रक्रिया कहलाती है वाटर साइकिल वाटर साइकिल के बारे में याद यह हुआ है वाटर साइकिल हेल्प्स टू रीन्यू कॉन्स्टेंटली एज वेल एज टू मैंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑनलाइन अवेलेबल फॉर आवर यूज़ जलचक्र हमारे उपयोग के लिए भूमि पर उपलब्ध मीठे जल वाले जलाशय को बनाए रखने के लिए लगातार नवीनीकरण करने में मदद करता है वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण अर्थात इसका मतलब है कि पानी का बचाव किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज रेफर टू एज कंजर्वेशन प्राकृतिक वातावरण में परिरक्षण या संचयन किया जाना जल संरक्षण होता है वाटर इज आवर नेचुरल रिसोर्स जल हमारा प्राकृतिक संसाधन है सो वी शुड कंजर्व वाटर रेदर देन वेस्टिंग इट इसीलिए इसे बर्बाद करने के बजाय संरक्षित करना चाहिए वाटर कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ वाटर जल संरक्षण जल को बुद्धिमानी और सावधानी से उपयोग करने का तरीका है इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम यह समय की आवश्यकता है सम वेज टू सेव वाटर आर जल बचाने के कुछ तरीके हैं टर्निंग ऑफ द टेप वाइल ब्रशिंग टीथ दांतों को ब्रश करते समय नल को बंद रखें इस तरह से कई सारे यहाँ पे उपाय दिए गए हैं बाथिंग विथ बकेट एंड मग इंस्टिड ऑफ़ यूजिंग सावर शावर उपयोग करने के बजाय बाल्टी और मग के साथ स्नान करना चाहिए अवॉइड वॉशिंग यूटेंसिल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अंडर रनिंग वाटर चलने वाले पानी के नीचे बर्तन फल और सब्जियों को धोने से बचें यूजिंग ए बकेट ऑफ सोपी वाटर फॉर वॉशिंग कार्स एंड अदर व्हीकल्स कार या आय वाहनों को धोने के लिए साबुन पानी को एक बाल्टी में उपयोग करें रिपेयरिंग द लीकिंग टेप्स एंड पाइप्स टाइमली लीकिंग नल और पाइप को समय समय पर मरम्मत करवाते रहें इसके आगे दिया हुआ है नॉट ओवर वाटरिंग प्लांट्स पौधों में अतिरिक्त जल न पटाएं अडप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल का भंडारण करके जल संचयन को अपनाएं वाटरिंग पॉटेड प्लांट विथ एक्सेस वाटर इन योर वाटर बॉटल पौधों में पानी पटाने के लिए पानी पटाने वाले बोतल का उपयोग करें प्लांटिंग ट्रीज एट लीस्ट वन इच ईयर ऑन एनी इम्पॉर्टेंट ओकेजन सच एज बर्थडे ट्री प्लांटेशन वीक और ड्यूरिंग रेनी सीजन ई टी सी किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर हर साल कम से कम एक बार वृक्षारोपण जरूर करें जैसे कि जन्मदिन के अवसर में वृक्षारोपण के सप्ताह में अथवा बरसात के मौसम में इत्यादि और दूसरे समय में भी कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण अनडिजाइर्ड चेंज इन द नेचर ऑफ वाटर इज़ नॉन एज वाटर पोल्यूशन जल की प्रकृति में अवांछित बदलाव को जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है इट इज़ हार्मफुल टू मैनकाइंड यह मानव जाति के लिए हानिकारक है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ट्स लैक्स रिवर्स इट इस अनफिट फॉर ह्यूमैन यूज इन द फॉलोइंग वेज तालाब झीलों नदियों आदि जलाशयों को स्वच्छ बनाने का जिम्मेदार हम हैं निम्न तरीके से मानव जलाशयों को प्रदूषित करते हैं तो किस तरह से हम ही लोग जो है जलाशयों को गंदा करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग क्लोथ्स बाथिंग एंड यूरिनेटिंग हीयर एंड दियर कपड़े धोने स्नान करने और यहाँ वहाँ पेशाब करने से इस तरह से गंदा होता है बाथिंग डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोज घरेलू जानवरों जैसे गाय और भैंसों को स्नान कराने से थ्रोइंग डोमेस्टिक गारबेज फ्लावर्स पॉलीथिन इटीसी घरेलू कचरा जैसे फूल पॉलीथिन इत्यादि फेंकने से डिस्पोजिंग एनिमल एंड एन ह्यूमन डेड रिमेंट्स पशु और मानव मृत अवशेष फेंकने से इमर्जिंग आइडल्स इन द नेम ऑफ रिलीजियन धर्म के नाम पर मूर्तियों को विसर्जित करने से डिस्चार्जिंग सेवेज एंड अदर वेस्टेज मल और अन्य कचरा को प्रवाहित करने से रिलीजिंग इंडस्ट्रियल इन्फ्लुंस औद्योगिक प्रदूषण को प्रवाहित करने से अनवाइज यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इट सी इन एग्रीकल्चर कृषि में कीटनाशकों आदि का हमेशा उपयोग करने से कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन हम किस प्रकार से जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं जल प्रदूषण का नियंत्रण ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज एंड अदर रिलेटेड वेस्टेज इन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर डिस्पोजल मल या कचरा प्रवाहित करने से पहले सही पद्धति से उसे नष्ट करें इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस बी ट्रीटेड फर्स्ट औद्योगिक प्रदूषण को पहले डिस्पोज करें वॉशिंग बाथिंग एंड यूरिनेटिंग हेयर एंड दियर शुड बी डिस्करेज धोना नहाना और यहाँ वहाँ पेशाब करने की व्यवस्था को बढ़ावा ना दें क्रीमेशन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन डेड बॉडीज़ इन ए साइंटिफिक वे वैज्ञानिक तरीके से पशु और मानव मृत अवशेषों का दाह संस्कार करें अवॉइड पॉलिटिंग वाटर इन द नेम ऑफ रिलीजियन based रिचुअल्स धर्म आधारित अनुष्ठानों के नाम पर जल को प्रदूषित न करें यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड बायोटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स pests, etc. कार्बनिक उर्वरकों और जैविक नियंत्रकों का उपयोग करें रासायनिक कीटनाशकों के जगह पर ड्रेनेज एंड वाटर pipes शुड नॉट बी laid साइड बी साइड नालियों और निकासी पाइप अगल बगल में नहीं रखना चाहिए तो इस तरह से हम लोग वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं यहां यह चैप्टर समाप्त हो जाता है आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है ये है क्वेश्चन नंबर वन में फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर टू में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है ये है क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और ये इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूं यह है चैप्टर फोर पॉइंट टू का आंसर क्वेश्चन नंबर वन में फिलिंग द ब्लैंक्स तो यहाँ पे जो ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगा दिया गया है और क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंसन द वे फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर These are the ways for conservation of water turning off the tape while brushing teeth, bathing with bucket and mug instead of using shower, repairing the leaking tapes and pipes timely, adopting rainwater harvesting, or planting trees. What is water pollution? An undesired change in the nature of water is known as water pollution. How can water pollution be checked? Water pollution can be checked by treatment of sewage and other related waste in sewage treatment plant before disposal industrial effluents should be treated first cremation of animal and human dead body in a scientific way avoid polluting water in the name of religion based rituals use of organic fertilizers and biotic control of insects pests etc what is the function of water cycle? Water cycle is a natural process which maintains proper environmental functioning and helps to blossom and nature life on the earth. Explain water shortage. Unavailability of water for consumption and proper functioning of life on the earth is called water shortage. So here, this chapter is completely अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को इसका मदद मिल सके अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल में आता रहता है इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं